जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो ट्यूटोरियल्स में ये बता दिया था कि ऑनलाइन क्विज कैसे काम करेगा, पर मैं फिर बता देता हूँ मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आंसर के बारे में बताया था, यानी इस टाइप से आपको आंसर शो हो जाएंगे। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम टाइम आउट पर वर्क करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम आउट कैसे, जैसे टाइम आउट चल रहा है इस टाइप से टाइम आउट पर वर्क करेंगे। जैसे ही टाइम आउट होगा, आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जैसे ही ये टाइम आउट होगा यानी हम यहाँ पर टाइम आउट शो करेंगे, तो टाइम आउट के बाद ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अगर आपने सबमिट कर दिया तो ठीक है टाइम आउट से पहले, लेकिन जैसे ही टाइम आउट कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, भले ही आपने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं या नहीं किए। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली टाइम आउट पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी बॉडी है, ये जो ऑनलाइन क्विज है, इसमें मैं एक आईडी बनाता हूँ टाइम के नाम से, ठीक है, और इसको मैं फ्लॉट कर देता हूँ राइट। फ्लॉट कर देता हूँ मैं राइट, ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पर टाइम आउट शो हो रहा है या नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करता हूँ जस्ट, देखिए आप यहाँ पर टाइम आउट शो, तो इस पर वर्क करना स्टार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देता हूँ, और ठीक है, और इस स्क्रिप्ट को मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, और अब हम चलते हैं थोड़े से यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मैं स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा मैं, डिक्लेयर और डिफाइन दोनों करूंगा टाइम लेफ्ट के नाम से, ठीक है। टाइम लेफ्ट हम मानते हैं अभी के लिए 2 मिनट का लेके चलते हैं, 2 × 60, यानी ये मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब एक फंक्शन लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, इस फंक्शन का नाम वो देते हैं टाइम आउट, ठीक है। और हाँ एक बात और, इसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये टाइम आउट बताने से पहले मैं आपको एक फंक्शन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम होता है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, उस फंक्शन का नाम होता है मैथ्स डॉट फ्लॉट। वो क्या करता है, स्क्रिप्ट मैं आपको उसका काम दिखा देता हूँ, वो क्या करता है, एक फंक्शन, एक और मैं आईडी ले लेता हूँ यहाँ पर डेमो के नाम से, मैं उस फंक्शन का आपको वर्क दिखा देता हूँ क्या करता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट ठीक है, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो होता है जावास्क्रिप्ट में होता है। मैं आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में भी बाद में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, यानी आई डी के थ्रू हम डॉक्यूमेंट की जो, यानी यहाँ पर जो हमने आई डी ली है इसको गेट कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी के थ्रू। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, अभी के लिए फिलहाल मैं आपको एक फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन क्या करता है कि जो आपकी इंटीजर वैल्यूज को डाउनवर्ड करता है, डाउनवर्ड इन द सेंस सपोज करो आपकी जो वैल्यू 5.8 है, तो ये क्या करेगा आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या करेगा, 5 में देगा यानी एग्जैक्ट देगा, जैसे 5.8 है तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा 5 में, यानी एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपको। मैं आपको जैसे क्रोमा में दिखाऊं तो आप चेक करेंगे यहाँ पर 5 क्यों नहीं आया, आईडी तो डेमो इनर एचटीएमएल, सॉरी इनर की स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर, मैं अगर आपको इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पर ये 5 आ गया, यानी जो वैल्यू है जो इंटीजर वैल्यू उसको डाउनवर्ड कर देगा नीचे की तरफ। अगर मैं 5.9 भी लिखूंगा तो भी ये क्या करेगा, डाउनवर्ड ही करेगा, तो भी 5 ही रहेगा। अगर मैं 5.1 करूंगा तो भी 5 ही रहेगा, तो ये वैल्यू को क्या करता है, डाउनवर्ड करता है। देखिए ये 5 है, मैं कितने रिफ्रेश कर लूँ, ये 5 है, तो ये वैल्यू क्या करता है, डाउनवर्ड। तो इसी फंक्शन को बेसिकली हम इसमें यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसको जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं मिनट, मिनट के नाम से, ठीक है, और मैथ्स डॉट फ्लोर। अब जो हमारा टाइम आ रहा है, कौन सा टाइम, यानी ये जो टाइम आ रहा है
जो टाइम डॉट टाइम लेफ्ट में हमारे वेरिएबल में स्टोर है टाइम हमारा जो बचा उसको मैं इसको, अब देखिए ये मिनट है, इस मिनट को हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या आ रही है, यहाँ पर सेकंड आ रही है, तो सेकंड को हमें मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे पास सेकंड जा रही है, तो इस सेकंड को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमारे पास क्या जाएगा, मिनट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल डी करके एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस सेकंड को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास टाइम लेफ्ट था उसको मॉड्यूलस ले लूंगा इससे 60 से। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड निकल कर आ जाएंगी इससे। अगर आप इसको मॉड्यूलस लेंगे 60 से, तो 60 से डिवाइड करेंगे टाइम लेफ्ट को और उसके बाद उसको मॉड्यूलस लेंगे, तो हमारे पास सेकंड निकल कर आ जाएगी। आप चेक कर लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, इफ की कंडीशन लगाऊंगा, ये चेक कराऊंगा कि जो हमारे पास टाइम लेफ्ट है अगर वो जीरो हो जाता है, ठीक है, या जीरो लेस देन है जीरो हो जाता है, तो उस केस में क्या कर दो आप, जो हमारा फॉर्म है, जो हमारे पास फॉर्म है उसकी आईडी मैंने फॉर्म वन दी हुई है ऑलरेडी, तो इसकी जो आईडी है फॉर्म वन उसको सबमिट कर दो। तो ये इसकी आईडी हमने दी हुई है फॉर्म वन, ये बेसिकली जो मैं यूज कर रहा हूँ ये जेक्वेरी में होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए आप फिलहाल जो टाइम आउट उस पर ध्यान दीजिए। ये क्या करेगा, इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को ये सबमिट कर देगा। ठीक है, सबमिट फंक्शन होता है इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट में। तो ये एक काम कीजिए, इसको एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से करते हैं, ये तो मैंने जेक्वेरी का यूज किया है, हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जो मेरे पास फंक्शन है इसको जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि जो जेक्वेरी है वो जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ पर डेमो नहीं आएगा, यहाँ पर फॉर्म वन आएगा, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा फॉर्म, ठीक है, वन इस टाइप से। ठीक है, अदरवाइज हाँ, इसको क्या करो, इस फॉर्म को आप सबमिट कर दो। और एक फंक्शन और होता है, मैं आपको अभी पहले एल्स की कंडीशन दिखाता हूँ यार, वरना तो एल्स की कंडीशन में आप क्या करो, उसको टाइम शो करते रहो। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा आपका इनर एचटीएमएल, ठीक है, सॉरी इमर नी इनर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका आईडी, कौन सी आईडी, जो आपने यहाँ पर लिखी थी, यानी ये वाली आईडी, ठीक है, जो आपने टाइम आउट पे लिखी थी इस टाइप से। इनर एचटीएमएल में आ जाएगा आपका, सॉरी ये पहले तो मिनट आएगा, ठीक है, उसके बाद कॉन्केटनेट प्लस से होता है जावास्क्रिप्ट में और पीएचपी में डॉट से, ठीक है, इसको कॉन्केटनेट करके आपका आपका आ जाएगा सेकंड। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से। अब उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है, यानी जीरो टाइम हो रही होता है, तो फिर ये केस चल जाएगा हमारा, अगर जीरो नहीं होता तो फिर ये आ जाएगा। उसके बाद हमको क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है घटेगी, जो टाइम आउट है वो घटता चला जाएगा, जैसे 59, 58, 57, तो उसके लिए हमें ये जो टाइम लेफ्ट बच रहा है इसको भी तो हर बार एक नेगेटिव करना पड़ेगा, जो हमारी सेकंड है उसको हर बार एक नेगेटिव करना पड़ेगा ना, तभी तो वो टाइम जो है डिक्रीज होगा, यानी कम होता चला जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर कम होता चला जाएगा, ठीक है, अगर टाइम हमारा कंप्लीट हो गया, यानी जीरो आ गया टाइम आउट जो जीरो, तो उस केस में तो ये चल जाएगा आपका, अगर टाइम आउट जीरो नहीं आता तो फिर उस केस में ये चलता रहेगा, ठीक है, और एक सेकंड कम होती चली जाएगी। उसके बाद एक फंक्शन आता है सेट टाइम आउट, ये क्या करेगा, जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, यानी जो ये वाला फंक्शन है, इसको जो है मैं आपको दिखा देता हूं, ये दो पैरामीटर लेता है फंक्शन सेट टाइम आउट का, जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है, इस टाइप से, पहला तो जिस फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट कराना है, दूसरा कितने मिली सेकंड के बाद कराना है, यानी 1000 मिली सेकंड, यानी एक सेकंड के बाद हमने एग्जीक्यूट कराना है, यानी इस फंक्शन को हमने एक सेकंड के बाद, यानी 1000 मिली सेकंड के बाद एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, यानी ये जो फंक्शन है, तभी तो वो टाइम काउंट टाइम जो है नेगेटिव में चलता रहेगा वन बाई वन, यानी 58, 59, 57, 56 इस टाइप से, तो हर सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इस किसके सेट टाइम आउट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, एक बात और,
जैसे ही टाइम लेफ्ट जीरो हो जाएगा, नहीं जब उसका टाइम जीरो हो जाएगा तो उस केस में एक और फंक्शन आता है क्लियर टाइम आउट, यानी उस केस में उसको जो टाइम है यानी इस फंक्शन को चलना बंद कर दो, कब, जब ये यहां पर वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसको जस्ट मैं यहां से कॉपी करता हूं, यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं इस टाइप से। ठीक है, तो एक बार फिर बता देता हूं मैं, अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो कुछ नहीं होगा, ये टाइम का टाइम ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी इस फंक्शन को हमने किसी भी इवेंट पे कॉल नहीं किया। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूं ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले यहां पर टाइम लेफ्ट जो है वो यहां से जाएगा, देखिए वो यहां पर पहुंच जाएगा। देखिए ये जो वेरिएबल्स मैंने यहां पर डिक्लेयर किया, इसका जो स्कोप है वो ग्लोबली है, यानी जावास्क्रिप्ट में जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऑटोमेटिक जो स्कोप होता है वो ग्लोबली होता है, तो इसलिए मैंने फंक्शन के अंदर यूज किया। अगर आप पीएचपी में करोगे तो पीएचपी में नहीं होगा, पीएचपी में उसका स्कोप ग्लोबली नहीं होगा, उसको ग्लोबली करने के लिए हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है पीएचपी के अंदर। हालांकि हम यहाँ जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं अभी, वो बाद में देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दिया। तो मैंने यहाँ इसका स्कोप ग्लोबली होता है इसलिए यहाँ पर रिसीव कर लिया। उसके बाद मैंने मैथ्स डॉट प्लॉट से मिनट निकाल, मिनट हमें फाइंड आउट कर, उसके बाद हमारे पास सेकंड आ गई, उसको हमने मॉडुलस निकाल लिया। फिर कंडीशन लगाई कि अगर हमें टाइम लेफ्ट जो हमारा बचा अगर वो जीरो जाता था, तो उस केस में हमारा जो फॉर्म उसको सबमिट कर दो और टाइम जो है खत्म कर दो, यानी इस फंक्शन को खत्म यानी क्लियर कर दो। अगर नहीं होता हमारा टाइम आउट जीरो, यानी जो हमारी वॉच है जो हमारा टाइम आउट है वो चला, तो फिर उसके इसमें एल्स की कंडीशन चला दो, उसमें मिनट और सेकंड दिखा दो और एक एक सेकंड नेगेटिव करते चले जाए, यानी माइनस करते चले जाए। उसके बाद यहाँ सॉरी यहाँ पे एक वेरिएबल लेना था मुझे टाइम आउट का, यानी टाइम का लेना है, सॉरी टीएम का ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टीएम आएगा, ये फंक्शन नहीं आएगा, मैंने मिस्टेक कर दिया इस टाइप से। ठीक है, तो टाइम आउट क्लियर कर दो कब, जब ये हमारा फंक्शन चलना बंद हो जाए, सेट टाइम आउट जो है ये चलना बंद हो जाए। कब होगा ये बंद? जब यहाँ पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन लोड पे, देखिए ये ऑन लोड जो है एक इवेंट होती है जावास्क्रिप्ट की, तो ऑन लोड पे मैं ये फंक्शन कॉल करा देता हूँ इस टाइप से। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये टाइम आउट चल जाना चाहिए, चल गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर दो मिनट है, ठीक है इसको देखते हैं ये क्या होगा। इतने एक मिनट 50 सेकंड जो भी है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है सबमिट हो जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन हमारी चल जाएगी जैसे यहाँ पर जीरो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपके सामने टाइम चल रहा है, मैं क्या करता हूँ एक दो इतने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस टाइम को मैं चलने दे, देखते हैं कि ये कैसे चलेगा। उससे पहले मैं कुछ और बताता हूँ आपको, ये मैंने आपको मिनट का बताया, अगर आपको आवर्स का चाहिए तो उस केस में क्या करना होगा, आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा आवर्स का। ठीक है, सॉरी आवर्स, ठीक है इसको देखते हैं कहां तक पहुंचा। अभी देखिए यहां पे जीरो आ रहा है, यहां पे हालांकि हमें चाहिए जीरो जीरो, ठीक है अभी मिनट जो आएंगे उसमें भी इसी टाइप से, जब 10 से कम हो जाएंगी तो वो जीरो इसी फॉर्मेट में यानी सिंगल फॉर्मेट में आएगी, तो उसको हमें डबल डिजिट में करना है। तो मैं बता दूंगा डबल डिजिट में कैसे होगा, डबल डिजिट में कैसे होगा, इसको टाइमर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसको टाइमर चलने दो, आवर्स में चाहिए। ठीक है, तो आवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन लगाना पड़ेगा, सेम फंक्शन आपको पहले ये दिखा देता हूं। मैंने यहां पर दो क्वेश्चंस केवल किए हैं, देखिए जैसे ही 10 से कम होगा तो यहाँ पर 098 इस टाइप से आएगा, जबकि हमको यहाँ चाहिए 090807, उसके बारे में मैं बता दूंगा कि किस टाइप से होगा। अब देखिए ये फंक्शन, देखिए ये ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, क्यों हो गया, तो उस केस में हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये चल गई, तो इस टाइम से टाइम जो है वर्क करता है। उससे पहले मैं आपको एक वर्ष की बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी क्या हो रहा था, कि यहां पर जो है टाइम जो है, देखिए यहां पर 1 मिनट आ रहा, तो हमको 0101 चाहिए, जैसे सेकंड में भी आ रहा था 9871 इस टाइप से,
तो मैं आपको जीरो मकर अवर्स मकर का दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ जो हमें अवर्स में सॉरी मिनट में अगर हमें लेस देन 10 मिलता है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट में मिनट से पहले क्या कर दो, जीरो कर देते हैं, ठीक है, यानी इस टाइप से सॉरी जीरो और से कॉन्केटनेट कर दो मिनट से। तो अब क्या होगा, मिनट जो है मिनट से पहले जीरो आ जाएगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा भी देता हूँ, देखिए जीरो आ गया, 01 इस टाइप से। अभी सेकंड में नहीं आएगा क्योंकि मैंने सेकंड में नहीं किया, ठीक है। आप यहाँ पे एलसीप लगा के, एलसीप नहीं बल्कि ये फंक्शन ही ले, आप इस टाइप से कर लीजिए। ये तो मैंने ऐसे किया, एक तरीका और है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक फंक्शन ले लीजिए, ठीक है, उस फंक्शन का नाम चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको सिंगल करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, यानी ये टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी। इस स्टेटस में एक और कंडीशन ले लिए एलसीफ में, सेकंड वाली और मिनट वाली भी ले सकते हो, या एक काम कीजिए आप फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको फंक्शन के थ्रू बताता हूँ, फंक्शन के थ्रू में आपको एफ एल सी कंडीशन लगानी नहीं पड़ेगी, चेक टाइम, ठीक है। यहाँ पर इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करा लेता हूँ इस टाइप से, एक वेरिएबल ले लेते हैं SEC के नाम से, ठीक है। तो उस चेक जो हमारे पास फंक्शन है उसको जस्ट यहाँ से सेंड कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। अब सेम कंडीशन यहाँ पर हमने मैसेज में टाइम रिसीव कर लिया, सेम कंडीशन कि इफ अगर मैसेज लेस देन 10, यानी 10 से सेकंड हमें कम मिलती है या मिनट या जो भी आप कर रहे हैं, तो उस केस में क्या कर दो, मैसेज को कॉन्केटिनेट कर दो, सॉरी जीरो से कॉन्केटिनेट कर दो मैसेज को, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर मेरे को सेकंड लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो चेक टाइम आउट है ये यहाँ से वैल्यू लाएगा, वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अनडिफाइन बता रहा है, अनडिफाइन क्यों बता रहा है, देखिए ये अनडिफाइन इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं यहाँ पर मैसेज, हमको यहाँ से रिटर्न भी तो कराना पड़ेगा ना मैसेज, क्योंकि ये फंक्शन को आप कॉल करोगे तो आपने यहाँ पर कुछ कराया नहीं, या इको कर सॉरी इको तो पीएचपी में कराते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, यानी जिससे भी आपने कराना था, यहाँ से हमें वैल्यू केवल हमको तो क्या चाहिए थे, हमको तो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न चाहिए, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर रिटर्न करा ली, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप चेक करेंगे, अभी आप सेकंड चेक कीजिएगा तो 98 से पहले जीरो आएगा, जैसे 987176 इस टाइप से जो आएंगी उनसे पहले जीरो आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी देखिएगा, देखिए आप 09 आ गया, ठीक है, 08 07 06 0, इसी टाइप से आप, अब देखिए आपको ये फैल्सी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, इस फंक्शन के थ्रू सारा काम हो जाएगा। अगर आपको मिनट के लिए चाहिए तो आपको जस्ट यहाँ से इस टाइप से कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ जो मिनट आई है हमारे पास उसको यहाँ पर आपने मिनट सेंड करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको रिसीव करना पड़ेगा इस वेरिएबल में, मिनट के नाम से हम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम मिनट लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब ये मिनट के लिए भी और सेकंड के लिए दोनों के लिए हो जाएगा, देखिए 01 आ गया, 0 इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से ये टाइम आउट वर्क करेगा। अब आपके अब मैं हाँ अब आपको चाहिए अवर्स के लिए, तो अवर्स के लिए अवर्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं या मैं बता ही देता हूँ आपको कैसे होता है, ठीक है। हाँ तो ओवर्स के लिए एक टेक्निक है, थोड़ा सा लॉजिक होता है, हमको चाहिए
टू अवर्स, सपोज करो आपको हमको चाहिए टू अवर्स, तो हमको अवर्स को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। टू अवर्स उसको मिनट में चेंज किया, फिर मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया, ठीक है। अब हमको यहाँ अवर्स मिलेंगे तो हमको सेम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप से। देखिए अब हमको टाइम लेफ्ट, ठीक है, यहाँ को यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमें दे रहा है ये सेकंड में दे रहा है, यहाँ पे टाइम लेफ्ट जो हमको मिला है सेकंड में मिल रहा है, तो सेकंड को हमें अवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 करेंगे इस टाइप से, क्योंकि सबसे पहले अवर्स को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, सॉरी सेकंड है, जो टाइम लेफ्ट में हमें वैल्यू मिल रही है वो सेकंड में मिल रही है, तो उसको सबसे पहले हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा, मिनट के बाद फिर उसको हमको अवर्स में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने 60 × 60 किया, इसको मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ 60 × 36, ठीक है। अब हमको मिनट चाहिए, तो मिनट कैसे मिलेंगे, सबसे पहले हम मिनट निकालने के लिए हमको जो टोटल टाइम है उसमें से अवर्स नेगेटिव करने पड़ेंगे, यानी माइनस करने पड़ेंगे, यानी अवर्स हमने माइनस किए, ठीक है। अब इस अवर्स को हमको फिर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सारा काम सेकंड के थ्रू ही कर रहे हैं, सेकंड के थ्रू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नेगेटिव होगा जो माइनस होगा वो सेकंड होगा, यानी हर बार जो नेगेटिव जाएगा जो घटेगा बार बार डिक्रीज होगा वो नेगेटिव वो सेकंड ही होगा, इसलिए हम सेकंड के थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो अवर्स को हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो सेकंड में बदलने के लिए हमको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक लॉजिक और है, मैं आपको बता देता हूँ, नेगेटिव 30 करना पड़ेगा वो इसलिए, ठीक है, क्योंकि मिनट है तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक देखिए हमारे पास टोटल टाइम आ गया, इसको हमने आवर्स निकाल दिए, और एक मिनट में कितने सेकंड होता है 60, तो 60 को हमें हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो आएगा 30, तो तब जाकर हमारे पास यहाँ पर मिनट निकलेंगे, ठीक है। जब आप आवर्स यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको माइनस नेगेटिव यानी माइनस 30 करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास मिनट आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना था, इसलिए 60 से डिवाइड किया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ सेकंड मिल जाएंगी। फ्रेंड्स इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये 30 इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमारे पास हमको किसमें मिनट चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी आवर्स है, तो आवर्स को नेगेटिव करने के लिए मिनट से हमको 30 और नेगेटिव करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 को डिवाइड करना पड़ेगा 30 से, तब जाकर हमारे पास मिनट्स आएंगे, ठीक है। और ये 60 इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमारे पास एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल टाइम हमको किस में मिल रहा है, यहाँ पर सेकंड में, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमको ये मिल गया, और जैसे हमको ये मिला इसको यहाँ पर चेक टाइम आउट जो हमको ओवर्स मिला इसको भी 00 में 00102 फॉर्मेट में शो करा देते हैं ओवर्स, तो HRSRs, ठीक है, HRs हमने यहाँ पर लिखा। अब मैं यहाँ पर अगर HRs लिखता हूँ, ठीक है, इसको कॉन्केटिनेट करा के, ठीक है, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो वो क्या होगा, आवर्स 100 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बैक जाता हूँ, ठीक है, इसको रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए ये आवर्स भी 100 हो गया, तो इस टाइप से ये 100 होगा। हाँ एक बात और मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहां -1 आ रहा है, वो 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम क्या होगा, यहां पर मैं आपको कमेंट करके दिखा देता हूं, ये नेगेटिव वो जो नेगेटिव वैल्यू वो क्यों आ रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम लेफ्ट हमारे पास कितना है 2 आवर्स, 2 आवर्स का मतलब हो गया आपका 2 × 60 × 60, ठीक है, माइनस यहाँ पर ये आवर्स कितना हो गया 2 × 60 × 60 आएगा, ठीक है, सेकंड माइनस 30, तो अगर हम इसे देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
ये तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे पास इसका बचेगा माइनस 30, ठीक है। माइनस 30 को अगर डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना आएगा, माइनस 1/2। अगर हम इसका मैथ्स डॉट प्लॉट निकालेंगे, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा फंक्शन था इसमें मैं अगर नेगेटिव वैल्यू करता हूँ -1/2, ठीक है। अब मैं अगर आपको इसको दिखाता हूँ, जो हमारा फंक्शन ये फंक्शन था, तो देखिए नेगेटिव 1 ही आएगा, ठीक है, पहली बार में। तो सेकंड टाइम में ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, नीचे जो है वो क्या हो जाएगी, वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, यानी तो उस केस में फिर ये स्टार्ट किससे हो जाएगा, 58-59 से। तो इस टाइप से जैसे अब ये टाइम कंप्लीट होगा तो ये यहाँ पे जो है आपका जो क्विज सिस्टम है वो ऑटोमेटिक जो है सबमिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस केस में क्या होगा, हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि आपका टाइम जीरो हो चुका है, तो आप जो है इस फंक्शन को क्लियर कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए फॉर्म को, ये हो गया, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं आपको फ्रेंड्स दिखाता हूँ, ये तो था क्विज सिस्टम का टाइम आउट, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा टाइम है, करंट टाइम, वो इस फॉर्मेट में कैसे शो करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जैसे ये चल रहा है तो टाइम आउट चल रहा है, लेकिन इसको अगर हमें शो कराना था करंट टाइम में तो वो कैसे शो करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, या उसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो ट्यूटोरियल में नहीं बताता क्योंकि काफी लंबा ट्यूटोरियल हो रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताता, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसको टाइम जो करंट टाइम है वो इस फॉर्मेट में कैसे वर्क करेगा, कैसे चलेगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको काउंटडाउन बता दिया, टाइम आउट बता दिया कि कैसे वर्क करेगा, तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको आगे का बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज है तो मेरे डिस्कशन फॉर्म में आप सवाल अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रिसेंट वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड खुदा हाफिज़।